हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इंडिया जॉब में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीडीएसको की आई वैकेंसी के बारे में। सीडीएसको मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की आई वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी सैलरी क्या होगी, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की क्या रखी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, जॉब लोकेशन क्या है और लास्ट डेट क्या होगी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो तीन एजेंसी फर्म से निकाली गई है, पहले नंबर पे है शाई कम्युनिकेशन, दूसरे पे है इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और तीसरे नंबर पे है हाइब्रिड फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जो शाई कम्युनिकेशन से वैकेंसी निकाली गई है वो पोस्ट नाम रखा गया है डीईओ, मतलब इसका हुआ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ओए ऑफिसर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैबोरेशियन, बेंच केमिस्ट, सीनियर बेंच केमिस्ट, अकाउंट ऑफिसर, प्रोफेशनल कंसल्टेंट, टीडीए मतलब टेक्निकल डाटा एसोसिएट एंड सीनियर टीडीए एंड टीडीए एडमिन एंड फाइनेंस। ओके, जो नंबर ऑफ टू मतलब नंबर दो से निकाली गई इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, उसकी निकाली गई है डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिसर असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट, बायो स्टेटिशियन एंड नंबर तीन पे जो हाइब्रिड फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड टीडीए मतलब टेक्निकल डाटा एसोसिएट से। ये पोस्ट के नाम थे गाइस इनके और इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है मैं वो आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिस स्टेट से जहाँ जहाँ जितनी आई हुई है वो CDSCO हेडक्वार्टर से TDA की 10 वैकेंसी है, टेक्निकल डाटा असिस्टेंट की, प्रोफेशनल कंसल्टेंट की 6 है, अकाउंट ऑफिसर की एक भी नहीं, इंजीनियर्स की एक भी नहीं, लाइब्रेरियन की एक है, TDA की 30 है एंड DEO की 67 है, लीगल कंसल्टेंट की एक है और ऑफिसर असिस्टेंट की 13 है, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एंड रिसर्च साइंटिस्ट की 3 है, सीनियर टेक्निकल डाटा एसोसिएट की 3 है, बायो स्टैटिशियन की 1 है। तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली से 152 की वैकेंसीज हैं और आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीडियो लेंथी है। गाइस नॉर्थ जोन गाजियाबाद से नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो टीडीए टेक्निकल डाटा एसोसिएट की 2 वैकेंसी हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 2 वैकेंसी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो 4 है। मुंबई से भी टीडीए की 2 वैकेंसी हैं और डीईओ की भी 2 वैकेंसी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो 4 है। कलकत्ता से बात करें सॉरी ये जो मैंने पहले बताया वो चेन्नई का था गाइस और अब मुंबई का है जो नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें भी 2 है और 3 है डीओ की। टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो 5 है मुंबई से। कोलकाता जोन से 4 वैकेंसीज हैं। अहमदाबाद से भी 4 वैकेंसीज हैं। हैदराबाद जोन से भी 4 हैं। बड़ी सब जोन से 2 वैकेंसीज हैं। जम्मू से 1 वैकेंसी है। गोवा से भी 1 वैकेंसी है। मुंबई से 5 हैं। चेन्नई से 4 हैं। कलकत्ता से 4 हैं। आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से 3 वैकेंसी हैं। चंडीगढ़ से 3 वैकेंसी हैं। सॉरी गाइस चंडीगढ़ से 9 वैकेंसी हैं। चंडीगढ़ से 45 वैकेंसी हैं। सॉरी गाइस चंडीगढ़ से 45 वैकेंसीज हैं।
गुवाहाटी से 41 है, फिर से चेन्नई से 34 है, फिर मुंबई से 45 है, हैदराबाद से 40 है, कसौली से 40 है, कसौली से 45 है, हैदराबाद से 40 है, कोलकाता से 45 है, और सियापोर्ट से 7 है, हैदराबाद एयरपोर्ट से 7 है, मिनी लैब बेंगलोर से 7 है, अहमदाबाद से 7 है, और सियापोर्ट से भी 7 है। तो गाइस ये रही नंबर ऑफ वैकेंसी की बात। मैं इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उनके बारे में बात करूँ तो प्रोफेशनल कंसल्टेंट की क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ प्लस 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो पेमेंट की बात करें तो 50,000 पर मंथ है। लीगल कंसल्टेंट की बात करें तो 68,250 रुपये पर मंथ है। ग्रेजुएशन के साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। और वेटरनरी ऑफिसर की बात करें तो 30,000 पर मंथ है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो वेटरनरी साइंस से होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट होना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस आईटी की बात करें तो 25,000 पर मंथ है। मास्टर डिग्री कंप्यूटर से होना चाहिए। इंजीनियर की बात करें आईटीआई या आपका डिग्री होना चाहिए, 15,000 पर मंथ। मेंटेनेंस इक्विपमेंट लैब होना चाहिए। रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें तो 50,000 पर मंथ है। इसमें बीटेक बीई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल केमिकल बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी किसी भी इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए, प्लस मेडिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, और इंग्लिश का कम्युनिकेशन का नॉलेज होना चाहिए अच्छा। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें तो इसमें 80,000 पर मंथ है। बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल, वही जो आपको पहला क्वालिफिकेशन मैंने बताया भाई उसी बेसिस पे ये भी है, प्लस इसमें मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपीरियंस है वो 5 इयर्स का होना चाहिए। अब आगे देखते हैं टेक्निकल डाटा एसोसिएट की जो पेमेंट है वो 50,000 पर मंथ है। जैसे एम फार्मा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल डाटा एसोसिएट इसमें 26,250 रुपीज पर मंथ है। इसमें बी फार्मा या एमएससी बायोकेमिस्ट से होना चाहिए। टेक्निकल डाटा एसोसिएट एडमिन एंड फाइनेंस इसमें 31,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन के साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंस में होना चाहिए, पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर से होना चाहिए प्लस। जिसका जॉब डिस्क्रिप्शंस मैंने अभी किसी को भी नहीं बताया, पर मैं इसका बता दे रहा हूँ। मतलब जो आप जो जॉब दी जाएगी वो क्या होगा, हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अकाउंट संभालने होंगे, बजट देखना होगा, ईटीसी एनी अदर और भी जो काम होंगे वो आपको इन द पीरियड ऑफ ड्यूटी कराया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सीनियर टेक्नीशियन डाटा एसोसिएट की बात करें तो 42,000 पर मंथ दिया जाएगा, जिसमें आपको बीटेक या एमटेक होना चाहिए, केमिकल बायोमेडिकल से इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी हो या एमएससी हो, पीएचडी मॉलिकुलर बायोलॉजी से हो या बीडीएस किया हो, एमडी से क्लिनिकल फार्मेसी वर्किंग एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग, मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेंच केमिस्ट की बात करें तो इसमें 26,250 रुपये पर मंथ है। बी फार्मा एम फार्मा या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सीनियर बेंच केमिस्ट की बात करते हैं इसमें 30,000 पर मंथ है। इसमें बी फार्मा एम फार्मा या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें कोई भी एक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एम टी एस
मल्टीटास्किंग की बात करें तो हाई स्कूल पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल हो या इंटर हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट या लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें साइंस केमिस्ट्री से होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 10+2 आपको मतलब इंटर पास होना चाहिए। लाइब्रेरियन की बात करें तो 21,000 पर मंथ होगी सैलरी। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस B.Lib होना चाहिए, B.Lib का कोर्स किया होना चाहिए। अकाउंट ऑफिसर की 31,500 पर मंथ होगी। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।